आदिवासी विकास विभागानं आता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार सकस आहार मिळणं शक्य होणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मुलांना आहाराकरता थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्याबाबत शासनानं निर्णय घेतला असून अ ब आणि क महानगरपालिका शहरातील वसतिगृहे यामधील विद्यार्थ्यांना मासिक रक्कम रुपये 3,500 आणि जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 3,000 रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला असून 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून ही रक्कम शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन भोजन आणि नाश्त्यासाठी आगाऊ जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक आहार पाहिजे तेव्हा खासगी मेसमधून आवडीनिवडीप्रमाणे घेण्याची मुभा मिळणार आहे. सदर योजनेचा पहिला हप्ता जून ते ऑगस्ट, दुसरा हप्ता सप्टेंबर ते नोव्हेंबर आणि तिसरा हप्ता डिसेंबर ते फेब्रुवारी तर चौथा हप्ता मार्च ते मे असून या सर्व हप्त्यांची रक्कम आगाऊ स्वरूपात जमा करण्यात येणार आहे. या सर्व योजना शासनामार्फत राबवण्यात येत असून या योजनेची माहिती संबंधित विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आली. बच्चों का मेजर डिमांड डीबीटी का जीआर जो आया है डायरेक्ट बेनिफिशियरी का उसको रद्द करने के लिए इनकी मेजर डिमांड है. मुद्दा ये है कि डीबीटी डायरेक्टली आरटीजीएस करके बच्चों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है और ये इस बार 3 महीने की एक साथ डीबीटी खाने का जो महानगर पालिका 3,500 और नगर परिषद का 3,000 रुपये पर महीना जो मिलता है वो उनके 3 महीने का डाल दिया गया है जिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है और नेक्स्ट टाइम ये 15 दिन पहले डाले जाएंगे 3 महीने के. तो इससे क्या रहता है इनको कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों पर या फिर खाने के लिए अवलंबन नहीं होना पड़ता है. ये अपनी मर्जी से जिसको रखना चाहते हैं जहाँ खाना चाहते हैं भले ही वो आपके कॉलेज का कैंटीन हो या फिर आपका बाहर का हो या अपने हॉस्टल में ही हो अपना सुख सुविधा कर सकते हैं. पर इनका मेन मुद्दा है कि डीबीटी को इनको ये नहीं चाहिए. जो अभी चर्चा हुई ये लोग बोल रहे हैं कि नासिक में मोर्चा लेके जा रहे हैं डीबीटी को कैंसिल करने के लिए. प्रशासन का ये कहना था कि आप 7 या 10 लोग बच्चे हमारे साथ चलिए हम सारा अरेंजमेंट करते हैं हम नागपुर लेके जाते हैं और मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी मैडम के साथ डेलीगेशन लेके बात की जाए इसके बारे में जो एक सकारात्मक चर्चा करने से ही जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है. पर बच्चों का मानना है कि वैसा पॉसिबल नहीं है. सेशन के दौरान उनकी डिमांड है कि अगर किसी को आना है तो वो नासिक में आके हमसे बात करें. अभी जो हमने अपने वार्डन्स हमारे यहाँ पे 3 अहमदनगर के और 3 पुणे के जो वार्डन हैं उनसे पता लगा है इनमें से 99% बच्चों का एडमिशन अभी भी हमारे हॉस्टल में नहीं है. मतलब ये अभी तक एनरोल नहीं है हमारे हॉस्टल में. ये मेजरली बाहर के लोग हैं. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो हमारे बच्चे हैं प्रशासन उनके लिए पूरी मदद कर रहा है ताकि जो सही में पढ़ना चाहते हैं और सही में फ़ायदा उठाना चाहते हैं ट्राइबल स्कीम्स का उनको ज़रूर फेट तक उनको बेनिफिट मिले इस चीज़ का. बट जो थोड़े बाहर के लोग रहते हैं जो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो लीगल स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं एक अलग तरीके से उनको इस स्कीम में कोई जगह नहीं है. उसकी वजह से भी थोड़ा सा रोष है. तो ये बात कह के मैं इतना ही कहना चाहूँगा ये चर्चा यहाँ पे अभी ख़त्म हुई है. बच्चे मान नहीं रहे हैं बिकॉज उनका मानना है कि सिर्फ जीआर ख़त्म होने से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी. ये डीबीटी एक सही मायने में प्राइवेट क्या बोल सकते हैं इसको एक प्रयोग के तौर पे अभी लिया गया है सिर्फ 120 हॉस्टल में जबकि हमारे पास 500 हॉस्टल हैं. सिर्फ जिला स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय के जो हॉस्टल्स हैं इनमें ही चलाया जा रहा है. बट अभी से इतना रोष आने की वजह से ये इतनी अच्छी स्कीम्स को आप थोड़ा सा ब्रेक मिलने का ऐसा मानना है. बट हम प्रयत्न करेंगे कि जो भी लेजिटिमेट और लीगल बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है जिन्होंने एडमिशन लिया है एनरोल हुए हैं कॉलेज में एडमिशन लिया है उनका शैक्षणिक वर्ष को कोई ख़राब ना हो एंड उनको खाने पीने को और निर्वाह भत्ता के लिए टाइम पे पैसा ये हमारा पूरा. वेद न्यूज़ साठी प्रतिनिधि निलेश केदारे नासिक.